हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन थिंक डेली। आज हम लोग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरम पे बेसिस है। इससे पहले ही मैंने इसका एक पार्ट बनाया है, आप लोगों से ज़रूर देखिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द सुपर पोजिशन थियरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट्स टू बी सॉल्व एज देयर आर। आपके ऑप्शन है सोर्सेस, नोड्स एंड मेश। सोर्सेस एंड नोड्स, सोर्सेस एंड ऑप्शन डी नोड्स। तो इसका राइट आंसर है सोर्सेस। देखिए, द सुपर पोजिशन थियरम रिक्वायर्स एज मैनी सर्किट्स टू बी सॉल्व। बहुत से सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए इसमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू सॉल्व अ नेटवर्क इज इक्वल टू। आपका ऑप्शन है द नंबर ऑफ कॉर्ड्स, द नंबर ऑफ ब्रांचेस, द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड कॉर्ड्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस, कॉर्ड्स एंड नोड्स। देखिए, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू सॉल्व अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए ये हमारा हमेशा इक्वल रहता है द नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नेटवर्क थ्योरम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है, जो कि लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के। और कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें आईटीआई में भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कैलकुलेटिंग अर्थ इन थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। आपके ऑप्शन है ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डेड, ओनली करेंट सोर्स आर मेड डेड, ओनली वोल्टेज सोर्सेस आर मेड डेड, ऑल वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेस आर मेड डेड। देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग अर्थ इन आर टी ए जो है आर एस टर्म होता है थेवेनिन्स थ्योरम के लिए और नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए, ये हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर मेड डेड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थेवेनिन थ्योरम्स टू फाइंड जेड। देखिए, थेवेनिन थ्योरम में जेड को फाइंड करने के लिए आपके ऑप्शन है ऑल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड। ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस वोल्टेज सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। यह ऑप्शन डी है आपका, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड। देखिए, थेवेनिन थ्योरम्स को फाइंड कर, जिसमें हमें जेड को फाइंड करना है, उसमें हमारा ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड। जितने ही हमारे वोल्टेज के सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो भी करेंट के सोर्स है उसको हमेशा हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड पाथ मेड बाई सेवरल ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज। ऑप्शन है ब्रांच, लूप, सर्किट या जंक्शन। देखिए, क्लोज्ड पाथ मेड बाई सेवरल ब्रांचेस, तो उसको हम लोग लूप बोलते हैं, इज नोन एज लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायलेटरल एलिमेंट। इनमें से कौन सा बायलेटरल एलिमेंट है। ऑप्शन है कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटेंस या नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो है बायलेटरल एलिमेंट होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारा बायलेटरल एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट। ऑप्शन है कैपेसिटेंस, आइडल करंट सोर्स, आइडल वोल्टेज सोर्स या ऑल ऑफ द एबव। देखिए, पैसिव एलिमेंट हमारा पैसिव, देखिए हमारा कैपेसिटेंस जो है वो पैसिव एलिमेंट भी है और बायलेटरल एलिमेंट भी है। ठीक है,
कैपेसिटेंस इसका सही आंसर है. अ टर्मिनल वेयर थ्री और मोर ब्रांचेस मीट इज नोन एज. वह टर्मिनल जिसपे तीन या तीन से अधिक ब्रांच मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है नोड, टर्मिनस, कॉम्बिनेशन या एनोड. देखिए जहाँ तीन या तीन से अधिक ब्रांच मिलती है उसे हम लोग एनोड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसिव नेटवर्क इज वन विच कंटेन्स. ऑप्शन है ओनली वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, ओनली सम सोर्सेज ऑफ ईएमएफ इन इट, ओनली टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ इन इट, नो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ इन इट. देखिए पैसिव नेटवर्क जो है उसमें क्या कंटेन रहता है? उसमें रहता है नो सोर्स ऑफ ईएमएफ. ठीक है, उसमें ईएमएफ का कोई सोर्स नहीं रहता है. नेक्स्ट है द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू. ऑप्शन है वोल्टेज ओनली, करेंट ओनली, बोथ करेंट एंड वोल्टेज या करेंट वोल्टेज एंड पावर. देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा करेंट वोल्टेज और पावर तीनों पे एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम्स थ्योरम यील्ड्स. देखिए ऑप्शन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स या इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स. देखिए विलियम्स थ्योरम हमारा हमेशा इक्विवेलेंट रहता है वोल्टेज और करंट सोर्स के. ओके नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू अ सर्किट यील्ड्स. ऑप्शन है इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल, या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट करंट सोर्स. ठीक है नॉर्टन थ्योरम जो है वो हमारा हमेशा इक्विवेलेंट रहता है करंट सोर्स और इम्पीडेंस इन सीरीज के. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट. इनमें से कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन है गैस डायोड, हीटर कॉयल, टनल डायोड या इलेक्ट्रिक आर्क. तो नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है ये हमारा हीटर कॉयल है. ठीक है हीटर कॉयल जो है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू. ऑप्शन है लीनियर, नॉन लीनियर एंड टाइम वेरिएंट रिस्पांस, लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर्स ओनली, लीनियर रिस्पांस ओनली या फिर नन ऑफ द एवर. ठीक है सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें से एप्लीकेबल है लीनियर रिस्पांस ओनली. ठीक है लीनियर रिस्पांस के लिए एप्लीकेबल है सुपरपोजिशन थ्योरम इन ऑप्शंस में से. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्सेज ऑफ ईएमएफ इज नोन एज. देखिए अ नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स, एक या एक से अधिक ईएमएफ जिसका सोर्स हो. ऑप्शन है लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क या एक्टिव नेटवर्क. देखिए हमारा एक्टिव नेटवर्क जो है उसमें वन या मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ रहता है, इसे हम लोग एक्टिव नेटवर्क कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल वोल्टेज सोर्सेस हैज. देखिए ऑप्शन है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन फुल लोड, या टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शनल टू लोड. देखिए एन आइडियल वोल्टेज जो है हमारा वो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई. ऑप्शन है सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन कंडीशन, होमोजेनिटी कंडीशन, बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन कंडीशन, या होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन एंड एसोसिएटिव कंडीशन. ओके तो नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन थ्योरम. द सर्किट हैज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सेमी कंडक्टर डायोड्स. द सर्किट विल बी नोन एज. वह सर्किट जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और सेमी कंडक्टर डायोड्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है नॉन लीनियर सर्किट, लीनियर सर्किट, बाइलेटरल सर्किट या नन ऑफ द एवर. तो हमारा नॉन लीनियर सर्किट जो है उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर,
सेमी कंडक्टर, डायोड, ये सभी रहते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग नॉन लीनियर सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंसेस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी इन। देखिए पैरेलल सर्किट है और जिसमें कि दो रेजिस्टेंस सेम करंट पाथ हैं जो कि हमेशा हमारे रहेंगे। आपके ऑप्शन है सीरीज विथ ईच अदर, पैरेलल विथ ईच अदर, सीरीज विथ द वोल्टेज सोर्स या पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। देखिए जब सर्किट पैरेलल है तो उस और उसमें जो हमारे रेजिस्टेंस है इन द सेम करंट, उसमें करंट सेम होना चाहिए, तो हमारा होगा सीरीज विथ ईच अदर। ठीक है, वो हमेशा सीरीज होगा विथ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी आइदर आइदर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। ऑप्शन है यूनिलैटरल सर्किट, बाइलैटरल सर्किट, रिवर्सिबल सर्किट या रिवर्सिबल सर्किट। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज बाइलैटरल सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ohm टू अ लोड ऑफ 100 ohms। ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया है, ये ऊपर होना चाहिए। तो टू अ लोड ऑफ 100 ohms द सोर्स विल बी। आपके ऑप्शन है वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। देखिए इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम अ सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 1 ohm टू अ लोड ऑफ 100 ohms, तो जो हमारा सोर्स होगा वो होगा वोल्टेज सोर्स, वो हमारा अ वोल्टेज सोर्स होगा हमेशा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लाइक आए तो उसे सॉरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।